जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? भगवान का नाम लेना भैया ज़रूरी है, अपना मानना तो यह है। तो सबसे पहले जय श्री राम तो है ही सब भाइयों बहनों को। और आज की वीडियो शुरुआत करते हैं ऊपर वाले के नाम से ही। और वीडियो में आज आपको बताऊंगा एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो चलता है जन्माष्टमी में, अब जो आएगी जन्माष्टमी कान्हा जी की, और इसमें बिकने वाली ड्रेसें वगैरह। क्योंकि अब जो है ना, लोग अपने बच्चों को ड्रेसें बनाते हैं, काना बनाते हैं, जो होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियों को राधा बनाते हैं, लोग काना बना के घुमाते हैं उन्हें, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस होती हैं और मुकुट होते हैं, झूले होते हैं, तो ऐसे ऐसे ना चीज़ें चलती हैं, तो वो आज आपको दिखाऊँगा। और भाई इस टाइम मैं आपको पहले दिखा दूँ, आज भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, घड़ी दिखाने बड़ी दिक्कत होती है। देखिए 10:30 बज चुके हैं, 10:30 क्या, हाँ 10:30 बज चुके हैं। और रात में लो दुकान मेरी अकेले की खुली है, कोई दुकान नहीं, देखो सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ। और मेरी दुकान का हाल देखो क्या हुआ पड़ा, ये देखो सब फैला पड़ा सामान, ये देखो काउंटर का क्या हाल है, काउंटर का भी हाल देखो क्या है, मतलब सब सामान फैला है, बहुत बुरी तरह फैला पड़ा है। राखी मेकिंग का बच्चे आके भैया राखी का मेकिंग का सामान दो, देखो किस तरह से सामान फैला पड़ा है, ये देखो दुकान मतलब पूरी ही लगभग दुकान फैली पड़ी है। ग्लिटर छिट्टे देखो कैसे पड़ी हैं, स्टोन वगैरह सब गिरे पड़े हैं, ये देखो दुकान का क्या हाल हुआ पड़ा। क्योंकि मैं अकेला होता और कस्टमर संभालना, बाहर राखियाँ भी लगा रखी है मैंने, और कस्टमर संभालना मतलब मैं अकेला होता थक जाता हूँ, रात तक बैंड बज जाता मेरा। कोई नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ फिलहाल जन्माष्टमी में अपना क्या क्या चलता है, हम क्योंकि हमें करनी है कमाई, सीज़न आ चुका अपना, सीज़न चल ही रहा है। तो आज आपको मेन मेन चीज़ें दिखा देते हैं जब चलेंगी, तो स्टार्ट। तो भैया ये तो अपने पेन टीचर डे के भरे पड़े हैं, और रोज़ ही ला रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ, बहुत सारे हैं, दिखने में थोड़े लग रहे हैं, अंदर काफ़ी सारे पेन हैं, और इधर उधर भी बहुत सारे पेन मैंने रखे हुए हैं। और ये दिखा दूँ, सबसे पहले ये चलती है ड्रेसेस, देखिए ये आते हैं सेट कन्हैया बनाने के, ये कपड़ा अलग होता है, ये अच्छा कपड़ा होता है, ये महंगे सेट होते हैं थोड़े, ये होते हैं एज के हिसाब से बच्चों के, जब दो एक साल का, दो साल का, तीन साल का थे। और ये होते बिना कपड़ों के सेट, इसमें बाजू बंद होगा, छोटे बच्चों का मुकुट बांसुरी गले में डालने का, और ये पटका होता है। फिर आती है ऐसे ड्रेसेस, ये राधा की है, ये देखिए खुले में भी टंग रही है राधा की ड्रेसेस, ये देखिए ये। और फिर ऐसे ये आता है सेट बिना कपड़ों का, बांसुरी वाला, जैसे आपको ये दिखाया ना अपने, इसमें और थोड़ा बड़ा और अलग क्वालिटी का ये। फिर आते हैं ये हार भी चलते हैं बहुत, ये दिवाली पर भी चलते हैं, और ये अब जन्माष्टमी पर भी चलेंगे अपने, ये देखिए इसी तरह के ये चीज़ें। और ये छोटी छोटी थालियाँ राखी पे भी चलती हैं, अब बच्चे ले जाएंगे, ये देखिए ये राखी पे चलने वाली थालियाँ हैं, ये वाली। और ये हैं झूले, ये कृष्ण भगवान जी के ये झूले, ये देखिए कितने प्यारा लग रहा है देखने में। ये हाइट में हैं जो इस टाइम चलेंगी, मतलब बिकनी शुरू हो जाएंगी समझो, ऐसे नहीं कि राखी ख़त्म होगी तभी बिकी, अब बिकनी शुरू हो जाएंगी। और ये हैं आपको दिखा दूँ, जो अभी मैंने आपको ड्रेस दिखाई है वो ये थी, बाहर टंगी पड़ी थी, ये अच्छी क्वालिटी में होती है, इसका कपड़ा ना कुछ अच्छा सा होता है। और एक आते हैं लूज मतलब अलग, ये तो होगी ना, इसमें सब कुछ होगा, क्योंकि जो ये ड्रेस लेगा उसे माला अलग लेनी पड़ेगी, अलग लेना पड़ेगा, ये अलग बांसुरी अलग। तो इसमें क्या है, ये मुकुट भी है, बाजू बंद भी है, माला भी है, हर चीज़ है, ये सेट होता है अलग, कपड़ा भी अलग सा होता है अच्छा। फिर आता है इस तरह के जोड़े, ये आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं, ये होते हैं बच्चों की ड्रेसें जो काना बनाते हैं ना अपने बच्चों को, जैसे ये थोड़ी सी बड़ी है, नंबर के हिसाब से होती है, नंबर इसका लिखा होगा, ये रहा ये है 22 नंबर, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये 22 नंबर है। ऐसे इसमें 18 नंबर भी होगी इसके अंदर, और बहुत होंगी इसी तरह की ड्रेस है। एक तो ये रख लीजिए आप, ये कमाई का सही, हर कोई बच्चा आजकल काना बनाते हैं हर एक को, मैं आपको बताऊँ ठीक है। फिर ये मुकुट आता है अलग से, अगर कोई ड्रेस लेगा ना, क्योंकि अगर ये लोगे तो इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा सेट है। अच्छा ये ड्रेस होगी, फिर ये मुकुट हो गया, ये बाजू बंद हो गया अलग से, इसमें अलग बहुत सारे डिजाइन आते हैं, मेरे को अच्छा लगा तो मैं ऐसे ऐसे ले आया। फिर ये आता कमरबंद, कमरबंद होता है जब हम धोती बनाते हैं ना बच्चे को, तो ये कमर पे बनता है, तो धोती खिसकती नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे कन्फर्म नहीं, कमरबंद तो फिर यही हुआ, कमरबंद ही कहते हैं इसे ठीक है। और ये आती है मालाएं, देखिए ये माला मुझे अच्छी लगी, सिंपल थी अच्छी थी, तो मैं ये वाली लाया, बाकी बहुत कलर थे, ये सही रेट की अच्छी माला थी ठीक है, ये आम रूटीन में भी चलने वाली, कई बार अगर स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो ये माला तब भी चल जाएगी। फिर इसी में ये जो ड्रेस है आपको बढ़िया वाली दिखाई, ये नंबर के हिसाब से है, ये भी मैं लाया हूँ, जैसे नंबर का मतलब ये बच्चों के साइज़ के हिसाब से हैं, ये सब ये अलग अलग चीज़ बच्चों के साइज़ के हिसाब से हैं, ये सब के सब इस तरह की। ये राधा की है, जैसे ये राधा की छोटी वाली हो गई,
ऐसे कृष्ण भगवान की होगी। ये काफी सारी ड्रेसेज है, ये राधा की और होगी। अगली आइटम है इसमें विग, ये विग कृष्ण भगवान वाली। अब ये विग क्या है, ये विग है जब स्कूल में प्रोग्राम होते हैं या जन्माष्टमी में जब हम झांकी सजाते हैं मंदिर में तो अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो ये विग मिला है मैं। और काफी सारी ड्रेसेज है इसमें, जैसे 20 नंबर है, ऐसे ऐसे होती है। इसके अंदर लिखा होगा नंबर, कहीं बाहर नहीं लिखा, अंदर लिखा होगा। ये छोटे बच्चों के बिल्कुल ऐसे ऐसे ड्रेसे आप ला के रखो, क्योंकि खाली खाना बनाने वाली बात नहीं है। अब स्कूल में होंगे कॉम्पिटिशन बच्चों के, तो ये ड्रेसे ढूंढते हैं लोग कि भैया ड्रेस चाहिए बच्चे के, क्योंकि हर माँ बाप ना अपने बच्चे को सोचता है कॉम्पिटिशन में पार्ट ले तो बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये चीजें ना स्कूल में बहुत चलती हैं जब कॉम्पिटिशन होते हैं, राधा की, किशन की, और इस तरह के कोई आपसे खाली मतलब बाजू बंद ले जाएगा, कोई खाली मुकुट लेके जाएगा, तो इस तरह के आइटमें आप लाओ और इनकम भी अच्छी है और काम भी अच्छा चलेगा। इससे क्या दुकान की पहचान बनती है कि हाँ ये सामान ना उस दुकान पे मिलता है, तो पहचान बनते हैं। यहाँ पे मैं अकेला दुकानदार हूँ जो इतनी वरायटी में ला के भरता हूँ हर सीजन की अलग अलग वरायटी, तो इस तरह की तो ये सामान हो गया। बाकी इसमें भी कपड़े बहुत सारे जुड़े हैं अलग अलग, ये बाजू बंद है, ये अलग स्टाइल का बाजू बंद है, तो इसी तरह का ये सामान मैंने भरा हुआ है। और अगली आइटम आती है पटके, लोग राधा राधे के पटके गले में डाल के जन्माष्टमी वाले दिन जहाँ क्या निकलते हैं तो उसमें या मंदिर में जाते हैं तो लोग पहनना पसंद करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो राधे राधे वाले पटके चलेंगे। और ये है कम रेट वाला, जैसे मैंने आपको दिखाया ना ये चीज़, ये थोड़ी अच्छी रेंज में हो गई, बांसुरी वगैरह ये सेट हो गया पूरा, ये हो गया थोड़ा कम रेंज में, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। देखिए कहीं पर ड्रेसें पड़ी होती हो, कहते भैया मैं मुकुट और बांसुरी का सेट दे दो, ड्रेस हमारे पास पड़ी है पिछले साल की, तो ये चीज़ है ये बिकती है, इसमें अच्छी भी बिकती है कम रेंज की भी बिकती है। इसमें देखो अलग अलग कलर लाऊँ, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है इसमें, इस तरह की। चलो ये तो मैंने आपको ड्रेसेस के बारे में बता दिया। और एक चीज़ हो चलती है, झूले तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया, हाँ झूले तो मैंने आपको दिखा दिए, ये झूले ये चलते हैं। ड्रेसेस देखो मैंने सामने फ्रंट पे टांग रखी है, रखी है दूर से दिख रही है, देखो ये मेरी दुकान है, ये देखो बाहर रखी है, ड्रेसेस द्वारा सब टांग रखी है मैंने, पर अभी तो और सामान खोल के टांगू हमें, यहाँ भी ड्रेसें टांग रखी है। अब आपको बताता हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान जो इस पे चलता है। आप भी सोचो कि यार आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, यही स्टोन वगैरह हो गए, यही चीज होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान तो होता ही होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ ऐड होता है, हर बार हर सीजन का कुछ ना कुछ अलग होगा, ये चीजें तो होंगी होंगी। इसके अलावा भी कुछ होता है, वो आपको दिखाता हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग से सामान क्या क्या होता है। भैया सबसे पहले आइटम है बांसुरी, ये देखिए ये बाजार में आपको होलसेल स्टेशनरी वाले भी मिल जाएगी, और जो जन्माष्टमी का होलसेल में सामान बेचते हैं या राखी का सामान बेचते हैं होलसेल वाले, तो उससे ही बांसुरी मिलेगी आपको। ये बांसुरी का क्या होगा, स्कूल में होते हैं कॉम्पिटिशन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे कोई ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है अब शुरू हो जाएंगे ये सामान, मैं आज रात को वीडियो अपलोड कर दूंगा और कल आप सामान ले आओ। अब कॉम्पिटिशन शुरू है एक दो दिन बाद, राखी के बाद कॉम्पिटिशन शुरू है स्कूल के अंदर, आप ड्रेसें अभी टांग लोगे ना तो आपकी ड्रेस बिकनी शुरू हो जाएंगी। माँ बाप पैसों को देखते वो सोचते हैं बच्चा हमारा एक्टिव रहे और कॉम्पिटिशन में पार्ट ले पार्ट और अब अच्छे से करे, तो ऐसे ऐसे ड्रेसे जरूर लाओ, मुकुट वगैरह ये अलग अलग चीज़ें सब बिकेंगी आपकी, ठीक है। फिर आपको बांसुरी दिखा रहा हूँ, ये बांसुरी क्या है, ये इसको सजाते हैं, तो बच्चों को स्कूल में बांसुरी जैसे है ना बांसुरी मंगवाएंगे, कहेंगे इसे सजाओ या घर से सजा के लाओ, कोई कोई तो बच्चा ये लेके जाएगा, कोई कोई लेके जाएगा। एक और बांसुरी दिखा देता हूँ आपको, ये स्कूल कॉम्पिटिशन में जाती है, ये वो कहते भैया हमारे पास टाइम नहीं है, या माँ बाप कई बार नहीं टाइम देते बच्चे को तो बच्चा खेलना पड़ता है, वो कई बार फिर माँ बाप कहते भाई टाइम है नहीं हमारे पास, या तो स्कूल में जैसे कहते हैं ना कि घर में सजा के भेजनी या स्कूल में, तो उस हिसाब से सारा काम चलता है। अगर वो कहेंगे घर से तो एक तो ये ले आते हैं लोग, इसमें क्या करते हैं जैसे ये है तो इसमें ही ऊपर और थोड़ी डेकोरेशन कर देंगे, ये हो जाएगी। एक होती है बिल्कुल प्लेन, इसमें क्या करेंगे एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके साथ चलता क्या है, फेविकोल तो देखो लगेगा फेविकोल तो ही चिपकती है। फिर क्या होता है जैसे ग्लिटर टेप हो गई, ये हो गई ऐसी टेप हो गई, या कोई ऐसी टेप करता है, या कोई और कपड़े में बतेरी आइटम आती है लपेटने वाली, इस तरह की ऐसी चीजें से इस बांसुरी को सजाता है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या लगती है, स्टोन चैन मेरे को मिली नहीं है, मतलब मार्केट में मैं गया नहीं दो दिन से, तो मेरे को लानी है। इसमें बांसुरी में यहाँ कोने पे, यहाँ एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कोने पे एक चैन सी टांगेंगे छोटी सी, आप देखो बांसुरी की फोटो में, ये तो सिंपल है ना, जो बांसुरी की फोटो दिखाएंगे उसमें यहाँ चैन टंगी होगी छोटी सी, उससे प्यारी लगती है ये, मतलब इसे डेकोरेट करने के बाद यहाँ एक छोटी सी चैन टांगेंगे तो वो फुल सेटअप अच्छा तैयार होता है बांसुरी का। तो ये चीज़ चलती है आर्ट एंड क्राफ्ट पे। और चलती है ये मोरपंख, देखो मैं लिया था परसों ही, ये सब लगभग बिक चुके हैं, थोड़े से रह गए ये मोरपंख, ये पूरे दबा के जन्माष्टमी भी चलेंगे और स्कूलों में बहुत जाएंगे।
लोग ढूंढ रहे थे पूरे बाजार के अंदर, मेरे पास मिले, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ आस पास, जहाँ मेरी दुकान, ये सिर्फ मेरी शॉप पे हैं। मैं इसे 3 दिन पहले ले आया था और काफी सारे बेच चुका हूँ। तो ये मोरपंख चलेंगे, ऐसे ऐसे आइटमें हैं जो आपकी बहुत चलेंगी। और बाकी 200 रुपये पे कोई कोई तो ऐसा मोटे स्टोन लगाता है, मैंने आपको राखी पे भी चलते हैं मोटे स्टोन और इस पे भी चलते हैं, ऐसे ऐसे कलर हो गए, इस तरह के बरीक हो गए, ऐसे ऐसे स्टोन ये उस पे चलते हैं। कोई कोई इसकी ये मोती स्टोन होते हैं ना, ये वाला आता है वाइट वाला, ये गोल्डन आता है, इसमें एक आता है कलर वाला। लोग क्या करते हैं मोतियाँ, जैसे स्टोन चैन नहीं मिली तो इसी को पिरोगे ना, इसमें एक लटकन बना देंगे बांसुरी पे, तो ये चीज़ भी बहुत चलेगी। क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे पे सामान तो बहुत है। अब हम मान लो ये हमारे पे थोड़े से पड़े, तो हमें इस चीज़ का स्टॉक करना है कि हाँ जन्माष्टमी पे आर्ट एंड क्राफ्ट में ये चीज़ चलेगी। तो ऐसे इसमें मल्टी कलर भी आता है, वो भी लिया है। तो लोग कई बार चैन नहीं लेते कि स्टोन चैन महंगी पड़ेगी, तो स्टोन या इसी की चैन बना लेते हैं खुद ही घर पे। तो ये चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा और चलता रहेगा। मेरी दुकान तो कितनी बिखरी पड़ी है, हाल भी बुरा हो रहा है। देखो आपकी वीडियो के लिए सामान निकाला था, कुछ वैसे बिखरा पड़ा था। तो दोस्तों मैंने आपको वो सामान दिखाया जो अब चलने वाला है, जो आपकी कमाई देगा, आपको आपके काम को बढ़ाएगा। ऐसी ऐसी आइटम है जो काम को एक दुकान की पहचान बनाती है। अब यहाँ पर आसपास में मोरपंख मेरे पास है, बंदा धक्के खा गया था मेरे दुकान का, जैसे शटर उठाना मेरी दुकान के लिए पहले रेडी बैठा था, भैया मोरपंख आप क्या में खाएं, कह रहे भाई साहब मिल गया, मैं बड़ा परेशान घूम रहा हूँ 3 घंटे तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा शहर में, मतलब जहाँ आसपास में हूँ कहने का मतलब, शहर में तो नहीं। तो वो बड़ा खुश हुआ, कह रहा भाई साहब 100 रुपये का ये है मेरे को दे दो। क्या मैं खैर फालतू फ़ायदा नहीं उठाता किसी का, मैं अपने नॉर्मली रेट ही देता हूँ। रात को 11 बजने वाले हैं तो मैं अभी, अगर कस्टमर अभी आया था मेरे पास, मैं नॉर्मली रेट देता हूँ, उसे पता ये बंदा बैठा है देर तक और इसके रेट फालतू नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप रात को अगर देर से कस्टमर आ रहा है तो उसे एक नॉर्मली रेट दो, महंगा ना लो कि यहाँ कस्टमर आया देर से तो उसे लूट लो, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। और ऐसे ऐसे आइटम आप रखोगे ना, जैसे मोरपंख है, बांसुरी है, और स्टोन चैन हो गई, चैन होगी सॉरी स्टोन हो गए, नए नए स्टोन स्टोन होते हैं, एक तो सिंपल लोग लेते हैं, मैं लेता हूँ छाँट छाँट के स्टोन अलग अलग दुकानों से। ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, ये दुकान की पहचान बनाते हैं। ऐसे कस्टमर दुकान पे आता है उसे पता यह ड्रेस है वहाँ से मिलेगी, झूला वहाँ से मिलेगा। अभी तो मैंने कान्हा जी की ड्रेस भी लानी है, छोटे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी से कहते हैं हमारे में, उनकी पगड़ी, उनका श्रृंगार का सामान, उनकी ड्रेसेस, कस्टमर की डिमांड आ गई, उन्हें देखा यहाँ सब सामान मिलेगा, तो उनका भैया ड्रेस कान्हा जी की वो तो लाओ, तो अब कल वो भी माल आ जाएगा मेरे पे। मैंने कह रखा था उसे, लेकिन उसके पास माल नहीं था, लाना था मैंने कान्हा जी की ड्रेस लड्डू गोपाल जी की, तो अब कल परसों मेरे पास वो भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि हाँ भैया इस तरह काम करो, ये कमाई की चीज़ें हैं जो जो मैं लाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। वीडियो के एंड में जय श्री राम, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, मिलते हैं अगली वीडियो में।